अब हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है और इनफाइनाइट लूप क्या होता है, ये तीन चीज़ें हम जो इसको मिक्स करके हम पढ़ेंगे। ब्रेक के बारे में आप देख चुके हैं, इसने स्विच के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया है जहाँ पे हमारी एक कंडीशन थ्रू हुई थी। अब लेकिन हम इसका मोस्टली यूज़ जो है वो करते हैं लूप्स में, हो सकता है इनफाइनाइट लूप में हो सकता है ब्रेक का यूज़ हो सकता है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? ऐसा लूप होता है जो कि कभी एंड ना हो, यानी कि जिसकी कंडीशन कभी फॉल्स ना हो। लेट सी दिस, अगर मैं ये लिखता हूँ ये वाला, ये एक इनफाइनाइट लूप नहीं है, ये आपका आ रहा है 1 2 3 4 अप टू ऑल वैल्यूज इट विल प्रिंट, ठीक है 10 11 जितनी भी हम दें। लेकिन अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट ना करूँ तो क्या होगा? अगर हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी एन की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होगी। ये तब तक लूप चलेगा जब तक एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये हमेशा 0 ही प्रिंट करता रहेगा। लेट्स सी दिस, तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ऊपर प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ता है। तो हम अभी भी चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये ब्रेक हो जाए, 0 के बाद ही ब्रेक हो जाए समवेयर। तो अब आपका ये लूप जो है ये एक ही बार चलेगा और ब्रेक कर देगा, ठीक है ख़त्म हो गया लूप। वैसे इनफाइनाइट था लेकिन हमने किसी भी कंडीशन पे इसको वो कर दिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, तो 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है नेवर, यानी ट्रू होता है 1 का मतलब। वाइल 1, वाइल 1 का लूप क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप है ये भी, क्योंकि सी प्लस प्लस में आपकी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपको ट्रू को कंसिडर किया जाता है। अच्छा अब मैं अगर इसको एन प्लस प्लस भी करूँगा तो क्या होगा? ये प्रोग्राम भी कभी एंड नहीं होगा क्योंकि ये कभी भी हमेशा ये 1 रहेगा। कंडीशन इसकी देखते जाएं आप, नेवर एंडिंग चलती जा रही है, काउंटिंग लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है, एंड देन वी स्टॉप इट, खुद हमें स्टॉप करना पड़ रहा है। तो मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि जब भी ये 100 आए ना तो ये ब्रेक कर दे। तो मैं कह रहा हूँ जी ये प्रिंट करता जाए, ठीक है प्रिंट करता जाए, जैसे ही वैल्यू इसकी 100 आ जाए, इफ एन इज इक्वल टू 100 तो ब्रेक कर दे। राइट, सो लेट्स सी दिस, अभी प्रिंट तो करेगा लेकिन 100 पे लूप इसका ब्रेक हो जाएगा। ऊपर इनफाइनाइट लूप है, जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट लूप हो, कोई भी लूप है किसी भी वक्त ब्रेक किया जा सकता है, अपनी कंडीशन और लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ इशू है इसके अंदर नेट पे, तो कंपाइल पे टाइम लग रहा है, बट इफ यू अगर आप इस प्रोग्राम को टाइप करते हैं तो देखिएगा ये प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा ऑन इफ एन वैल्यू इज 100। लेट्स ट्राई इट अगेन, देयर इज सम इशू, या तो पहले भी एक बार हमारी रिकॉर्डिंग में इशू आया था, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ब्रेक हो जाएगा 100 पे। तो ये स्टेटमेंट क्या करती है? आपके किसी भी प्रोग्राम को ब्रेक करने के काम आती है, किसी भी लॉजिक के ऊपर, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कह रहा हूँ कि 1 to 100 काउंटिंग प्रिंट करें लेकिन 5 का मल्टीपल प्रिंट ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं? 1 to 100 लगाने के बाद दरमियान में आप लिख सकते हैं, नहीं बल्कि वो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू पे आएगा, उस पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो इसमें आप कोई भी चीज़, कभी भी लूप किसी भी किस्म का ब्रेक करना चाहें, हम यहाँ पे कहते हैं रैंडम नंबर, फॉर एग्जांपल कुछ कंप्यूटर से हम नंबर जनरेट करते हैं, लेकिन ये तब रुके जब वैल्यू 100 हो। कोई भी कंडीशन पे आप वैल्यू इसको ब्रेक कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ इशू हेयर, इसका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। लेट मी कॉपी दिस ऑल, कॉपी एंड इसको अब चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ इसे। ये देखिए आपने 14 या 17 लेना है। ओके लेट मी इंक्लूड, ओ सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी INT एन इज इक्वल टू 1 वाइल 1, तो क्या करेंगे हम एन प्लस प्लस सी आउट एन, देन आई से एंड एल न्यू लाइन पे, एंड आफ्टर दैट हम ये कहते हैं इफ
एन इज इक्वल टू 100 ब्रेक ब्रेक। तो ये अब इसको चेक करें, ऑल्दो ये इनफाइनाइट लूप था बट 100 पे जाके ये ब्रेक हो गया। आप इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं, तो ये इसकी ब्रेक हो रही है। ठीक है, आप कहीं पे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपके लूप को ब्रेक करती है, इनफाइनाइट लूप को। और जरूरी नहीं है इनफाइनाइट लूप हो, वैसे देखें अगर हम ये भी कह सकते हैं वाइल एन लेस देन इक्वल्स टू 100 और ये लूप जो है ना 5 पे ब्रेक कर जाए। इट्स अप टू यू क्या आप करना चाह रहे हैं लॉजिक, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे भी लूप को ब्रेक करने के काम आती है। देखिए 5 पे ये लूप ब्रेक कर गया। कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इस लॉजिक को स्किप कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये सारी काउंटिंग प्रिंट करते जा रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ 5 का मल्टीपल प्रिंट ना करें। ठीक है, सारे प्रिंट करें लेकिन जो 5 का मल्टीपल है ना वो प्रिंट ना करें। तो आपको पता है 5 का मल्टीपल क्या होता है, नंबर को अगर 5 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर उसका 0 आ जाए तो वो 5 का मल्टीपल होता है। तो हम कहते हैं इसको ब्रेक कंटिन्यू कर दें। तो अब क्या होगा, ये नंबर सारे प्रिंट करेगा बट इन केस ऑफ 5, 10, 15, 20 सो ऑन, ये आपका कभी प्रिंट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कोई भी 5 का मल्टीपल, अब यहाँ से स्टार्ट करें इसको 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, तो ये कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या करती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब जहाँ आप कंटिन्यू लिखेंगे वो उससे आगे उस लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी उतनी कंडीशन, यानी कि यहीं पे वो लूप की बाकी का पार्ट छोड़ के वापस चला जाएगा, अगली अगली वैल्यू पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर, अगर फॉर का लूप की बात करें यानी उसकी वो आइट्रेशन स्किप कर देगा। तो फॉर के केस में भी ऐसा ही होगा, जो काउंटर है कोई पर्टिकुलर कंडीशन, आप कहते हैं अगर ये कंडीशन होती है तो इसको जो है ना आप स्किप कर दें, यानी स्किप करने के लिए, किसी भी आइट्रेशन को स्किप करने के लिए कंटिन्यू यूज़ होता है। ठीक है जी, क्लियर ये चीज़। तो ये तो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू है। तो अब आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है।